अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करूँगी सभी खैरियत होंगे। वी आर ऑल फाइन। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जी पिज़्ज़ा मैक्स, ठीक है। और आज मैं इसका रिव्यू भी दूंगी। दिस इज़ द पिज़्ज़ा मैक्स इन शाह फैसल कॉलोनी, ठीक है, और नियर टू शमा शॉपिंग सेंटर के करीब में। अच्छा, रावा की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेने गए थे ना, तो उसने ज़िद की कि आज कुछ बाहर से खिला दें। और तो आपको पता है जब बुखार होता है बच्चों का, तो उनका होता है कि मुँह कड़वा, टेस्ट बर्ड होते हैं ना, वो बहुत कड़वा सा हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है कुछ चटपटा मज़ेदार खाने को दिल जाता है। तो हम यहाँ पिज़्ज़ा मैक्स में पहुँच गए थे। इन्वायरमेंट आपने देखा, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एलिगेंट लुक दी हुई है। आपको पता है यार, किसी भी रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा हो तो आपका दिल खुद ब खुद बड़ा सकून सा फील करता है। अच्छा भाई, यहाँ पर बहुत डिटेलिंग में जो है ना इनका जो था वो मेन्यू चार्ट था। और एक चीज़ यहाँ पर जो हुई वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मे बी किसी और के साथ ना हुई हो या फिर जस्ट फॉर अस, हमारे साथ ही हुई फ़र्स्ट टाइम। अच्छा, ये हमारा फ़र्स्ट विज़िट था पिज़्ज़ा मैक्स में, अगर पिज़्ज़ा पॉइंट हो गया और अदर कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा और हो गया जी वन ब्रॉडवे, इन जगहों पे तो हम जाते रहते हैं। और ये वाला जो था ना पिज़्ज़ा मैक्स, हमने जो है फ़र्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया था, मतलब खाया तो है घर पे मंगवा के, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आप घर कर लेते हैं। तो ये वाला जो था ना फ़र्स्ट टाइम था। और ये देख रहे हैं आप, इसकी काफ़ी सारी जो डील्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, जो अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइजेस के, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इन्होंने हमें मेन्यू कार्ड जो दिया था, ये इसके अलावा एक और दिया, और उसके अंदर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ डील्स ही, 1, 2, 3, हमने उसमें से एक डील सेलेक्ट की। और जब एट द एंड उस डील में था एक 10 इंचेस का मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा, और साथ में एक लावा केक, और साथ में जो है 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी, ठीक है। और उसके प्राइस थे 1299, और मतलब 1300 उसके प्राइस थे। और उसके बाद जब सो यहाँ जो है जो हमारा डिनर था वो सर्व हो गया, ये देख सकते हैं, ये है लावा केक, ठीक है। ये भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी किस तरह का है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा कड़वा सा था, मज़े का नहीं था इतना, मतलब था, लेकिन इससे बेटर आई थिंक कि मैं खुद घर पे बना सकती हूँ। सो ये चीज़ थी कि ये थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। जो क्रस्ट थी ना इनका जो, वो बहुत ज़रा ज़्यादा हार्ड हो रही थी, मतलब थोड़ा कड़वाहट सी उसमें थी कुछ ज़्यादा ही। पिज़्ज़ा ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े का था, पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत अच्छा था, फ़नी फीस मंगवाया था हमने, और ये टेस्टी था, नो डाउट। सो ये तो अच्छा था, ये हमने खाया। और ये देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना सबको सर्विंग करके दे रहे थे, तो हमने इंजॉय किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी उसकी तबीयत भी बेहतर हुई, खाया उसने खाना पेट भर के, और फिर मेडिसिन वगैरह ली घर पर जाके और सो गई थी। यहाँ जो हमारे साथ सीन हुआ वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हमारा पहला विज़िट था यहाँ पर, ठीक है। ब्रांचेस का विज़िट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ पर, हमने ऑर्डर दे दिया, हमने खाना वाना खा लिया, फिनिश हो गया। तो उसके बाद जब बिल आया, तो बिल आया जी 1500 रुपीज़ का, ठीक है। और हम लोग एकदम से ऐसा हुआ, क्योंकि हमने तो ऑर्डर ऐसा दिया था, तो इसमें इतनी चेंजेस कैसे आ सकती है। सो फिर जो उसमें ये था कि इन्होंने कार्ड दूसरा शो करवाया जिसके ऊपर 50% ऑफ लिखा हुआ था, और जब बिलिंग हुई तो इन्होंने ये बिल बना के दिया। तो हमने कहा कि आप कार्ड दिखाएँ, ये वाली डील तो थी नहीं, तो इन्होंने कार्ड दूसरा शो करवा दिया। अच्छा, फिर इनके जो स्टाफ थे जिन्होंने हमें डील किया था, वो मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने ये मिस्टेक किया है। फिर एक और बंदी आई, और हमने कहा कि जी अब हमें डील के प्राइस तो पता नहीं होंगे ना एक्यूरेट कि हमने इस डील ये वाली मंगवाई, अगर आपने हमें कार्ड शो नहीं करवाया। फिर जी वो जाके अंदर से दूसरा कार्ड आए, तो कह रहे ये तो हमारा बॉक्स में पड़ा हुआ था कार्ड, ये तो हमने आपको दिखाया नहीं। तो ये सीन हुआ। मुझे ऐसा लगा, और मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगा, मे बी कहीं ना कहीं ये ऐसा कर लेते होंगे, किसी को अगर पता ना चले तो। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्स उस वक्त नहीं देखते हैं, और वो बस ऐसे ही कर लेते हैं और हो जाता है इस तरह का। तो बी अवेयर फॉर दिस, और ठीक है। अगर बात करें, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत अच्छा था, बस लावा जो था ना इतना मुझे ऐसा ख़ास लगा नहीं था। ये तो और क्या खाना, कैसा खाना है इसका? नहीं नहीं, उससे पहले जो बोला था मज़े। और बैठो जैसे बैठे हुए थे पहले, जाना लावा के लिए।
सो दिस इज द लावा केक। गरम गरम था तो कुछ ज़्यादा ही लावा नहीं कर रहा था। छोटा सा रिव्यू, उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और दुआ में रखिएगा याद अपना रखिएगा बहुत सा और दुआ में रखिएगा याद अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।